हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड की। इस शेयर्स में रिलेटेड मैं आपसे काफी सारी बातें करूंगा। फंडामेंटल, फाइनेंशियल, टेक्निकल सब चीज हम एक बार देखते हुए नजरेंगे। कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो सब देखेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस स्टॉक्स को हमने लास्ट क्वार्टर यहाँ पर अपने ग्रुप में दे रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पर लगभग 1,000 रुपए के भाव के आसपास यहाँ पर दिया था। उसके बाद एक रैली होने के बाद यहाँ पर चीजें नीचे आई भी है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, मेरे कहने पर और किसी और के कहने पर बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करना है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर काम करना है। जस्ट एक वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक एजुकेशनल वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में देखिएगा ताकि चीजें समझ में आए। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और सीखने के लिए वीडियोज है, जाके वीडियोज देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। साथ में आप हमारे कोर्स को कर सकते हो जहाँ पर बारीकियां सिखाई जाती है, शेयर क्यों भागता है, क्यों गिरता है, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये सारे आंसर्स आपको पता चलती हुई नजर आएगी। 8860540501, 8169261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्टडी यूज है, स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट, सब कुछ दिया जाएगा। 25,000 रुपये का कोर्स है और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है, तो आप अभी से एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप अगर हमारे साथ काम भी करना चाहते हैं तो अभी भी इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तेजस नेटवर्क लिमिटेड की बात करें तो देखिए, मार्केट कैप 20,000 करोड़ की कंपनी है, तो स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज याद रखिएगा, हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरी, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो याद रखिएगा, जब शेयर भागता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि कितना अच्छा भागा है। बस जब शेयर गिरता है ना, तो उसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर भी आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे 350 से 400 रुपए वाला स्टॉक्स 20-25 रुपए तक, 30 रुपए तक आता हुआ नजर आया। तो इस चीज को याद रखना है, सही टाइम पर लेना है, सही टाइम पर बेचना है। अगर ये आपको कला आती है तो यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में बेहतरीन पैसे बनाते हुए नजर आओगे। इनकॉर्पोरेट इन यहाँ पर आप देखेंगे, 2000 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग वायरलेस एंड वायरलेस नेटवर्क प्रोडक्ट विद अ फोकस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड R&D। तो यहाँ पर बात करें, कंपनी वायरलेस एंड वायरलाइन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बनाती हुई नजर आती है, उस पर R&D करती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट एंड डिफेंस से नेटवर्क में भी एक कंपनी, लगभग 75+ कंट्रीज में यहाँ पर इनका अच्छा खासा कैटर करती हुई नजर आती है। कंपनी इज करंटली अ पार्ट ऑफ द पेनाटोन फॉर इन्वेस्ट लिमिटेड, इज ए सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स लिमिटेड। तो आप देखोगे तो लगभग जब ये शेयर 185-186 रुपीज पे हुआ करता था आज से 1-1.5-2 साल पहले, तब भी ये शेयर को टाटा ने यहाँ पर एक्वायर किया, और उसके बाद जब रैली हुई इस पर्टिकुलर शेयर में, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद से शेयर रुका ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कंपनी को टाटा ने एक्वायर किया था, और जैसे एक्वायर किया आप देखोगे कि इस शेयर में तेजी होते होते ये शेयर कहाँ से कहाँ तक पहुंचता हुआ नजर आया, जिसके रिलेटेड बातें करेंगे। और चार्ट में जब हम यहाँ पर चलेंगे ना, तब बात करेंगे। तो यहाँ पर आप जाइए इनकी वेबसाइट पे, आपको समझ में आएगा जितने भी ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड ये काम आते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, आप इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जान सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रेडियो एक्सेस नेटवर्क, फाइबर ब्रॉडबैंड एक्सेस है ना, सेटकॉम सॉल्यूशन, ऑप्टिकल एग्रीगेशन स्विच एंड राउटिंग, डायरेक्ट टू मोबाइल बोर्डिंग सॉल्यूशन, तो ये सब चीज यहाँ पर ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो अच्छी खासी कंपनी है, और जब इस कंपनी को टाटा ने एक्वायर कर लिया तो और ज्यादा यहाँ पर ये कंपनी अच्छी बनती हुई नजर आती है, तो अच्छा खासा काम है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक का P44 का, इंडस्ट्री का P53 का है, तो अभी भी सस्ता नजर आता है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ कि पी के पी बेस पे ना तो चीजें लेनी है ना बेचनी है, पी के पी पीछे आपको भागना ही नहीं है, ठीक है। पी जस्ट अ मिथ, हाँ, बट पी को इग्नोर भी नहीं करके चलना है, याद रखिएगा, ठीक है। ROC ROE की बात करें, बिल्कुल भी खास नहीं है। अगर किसी बड़े अच्छे इन्वेस्टर को दिखाओगे तो शायद वो यहाँ पर इन चीजों को देख के शेयर को बाई भी ना करे, ठीक है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, 441% का सेल्स ग्रोथ होती हुई नजर आई है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, 30% के आसपास का है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है, तो आने वाले टाइम में स्प्लिट भी मिल सकता है। इसके अलावा इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें, 549 के आसपास की इंट्रेंसिक वैल्यू है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1495 लगभग 1500 का हाई है, और 651 का इसका 52 वीक लो था यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर और चीजें समझ में आएगी आपको कि कंपनी के रिजल्ट भी आते हुए नजर आया, और यहाँ पर आप देखोगे कहाँ कंपनी
जब तक टाटा ने बाई नहीं किया था इस कंपनी को, तब तक ये 173, 107, 126, तो इतना ही यहाँ पर बिजनेस था। और जैसे ही टाटा ने यहाँ पर बाई किया, तो यहाँ पर इनका बिजनेस में ऐसी उड़ान मिलती हुई नजर आई है कि यहाँ पर कंपनी जहाँ 173 करोड़ रुपए की सेल्स करती थी, वो यहाँ पर अभी 2800 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स कर रही है, जो कि ईयरली, क्वार्टरली और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा, तो जो यहाँ पर कंपनी पूरे साल में नहीं काम कर पाती थी, कमा पाती थी, वो यहाँ पर एक क्वार्टर में ही यहाँ पर सेल्स कर पा रही है। तो इसी से इमेजिन कर सकते हो कि ये शेयर क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो जो बीच में घाटा कर रही थी वो 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। नेट प्रॉफिट जो 4 करोड़ का था, वो 275 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेस पे। ईपीएस में बहुत अच्छी जंप दे नजर आती है, 19% के आसपास का यहाँ पर मार्जिन आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी की सेल्स अच्छी खासी ग्रोथ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया 2023 से। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट वो देखोगे तो वो यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स में चार चांद लग गए, 220 करोड़ से अभी लगभग 3500 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। पर साथ साथ बोरिंग भी बढ़ी है, और बोरिंग का बढ़ना अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा नहीं होता। अगर बोरिंग बढ़ेगी, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर वही यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, फिर वही होता हुआ नजर आएगा, अच्छी बात नहीं रहेगी। 61 करोड़ का भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ईयरली बेसिस पे बात करें तो लगभग 200 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बट कंपनी काम कर रही है और ठीक है, बट जब तक कंपनी ने जिस दिन काम करना बंद किया और इतना अगर बड़ा लोन इनके पास होगा, इनकी बड़ी बोरिंग होगी, तो फिर वो प्रॉब्लम यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। इतने अच्छे रिजर्व है कि ये कंपनी यहाँ पर बोनस भी अनाउंस कर सकती है। इसके अलावा कंपनी 20,000 करोड़ की है, अच्छी खासी यहाँ पर रिजर्व है, साथ में बोरिंग भी है, तो इसलिए चिंता भी नहीं है। इतने अच्छे खासे रिजर्व है, तो जब चाहे तो यहाँ पर चुका भी सकती है। 52 करोड़ के आसपास का वर्किंग प्रोग्राम, 51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें तो 128 करोड़ रुपए का कंपनी का कैश भी नजर आता है। नेगेटिव कैश फ्लोज है कंपनी के पास, बट यहाँ पर हम बात करें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ी है, 37 से यहाँ पर 55% के आसपास हो गई है। और प्रमोटर कौन है यहाँ पर देखेंगे, पेनाटॉन फिनवेस्ट, जो कि यहाँ पर टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। ठीक है, सब्सिडरी है। यहाँ पर बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस की होल्डिंग पहले अच्छी खासी हुआ करती थी, बट धीरे धीरे उन्होंने होल्डिंग घटाई है। बट स्टिल अभी भी बात करें 9.5% की होल्डिंग यहाँ नजर आती है। डीआईएस के पास एज इट इज 4.76%, और पब्लिक के पास बात करें 30% की होल्डिंग है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट स्टिल यहाँ पर आप देखेंगे केडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में, विजय केडिया सर की कंपनी है, उन्होंने भी 1.87% की होल्डिंग यहाँ पर ले रखी है। ठीक है, और बहुत पुराने होल्डर यहाँ पर, शेयर होल्डर यहाँ पर नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको केडिया सिक्योरिटीज यहाँ पर आओगे तो आपको समझ में आएगा, 2021 में इन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी में, जब ये शेयर 2021 में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग वही 160-164 के आसपास हुआ करता था, वहां से लिया है तो शेयर 5 गुना के आसपास अच्छा खासा हुआ पड़ा। तो ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल कंपनी यहाँ पर अच्छी खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टर भी यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर, लगभग 2,08,000 इन्वेस्टर यहाँ पर, 2,09,000 इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर कंपनी में। बाइंग सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ और चीजें कि यहाँ पर जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो 500, कभी 10,000, कभी 1,000, कभी 4,500, कभी यहाँ पर सितंबर में लगातार इन्होंने यहाँ पर बेचा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर अगस्त में भी बेचा है, सितंबर में बेचा है, जून में भी बेचा है। ठीक है, उससे पहले आप देखोगे तब भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो जैसे कि विजय केडिया सर हमेशा कहते हैं कि प्रमोटर को ही खुद नहीं पता है ना, डेजिग्नेटेड पर्सन को खुद नहीं पता कि ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है। तो इस मार्केट में किसी को भी कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ तक कोई भी शेयर जा सकता है, कहाँ तक कोई शेयर गिर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको डटे रहना है, अच्छे शेयरों में बने रहना है, तभी पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि हमने फंडामेंटल से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें कर ली है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के चार्ट से रिलेटेड क्या कह रहा है। बट इससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन। बैंक सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, नंबरों को नोट करके साथ में काम कर सकते हो और यहाँ पर कोर्स कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चीजें अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। पहले शेयर ऑलरेडी भागा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर लगभग 40% तक की यहाँ पर तेजी आई, उसके बाद एक गिरावट आई मार्केट में, बिल्कुल ही प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, और जो चीजें ज्यादा भाग जाती है उसके बाद उसे उस तरीके से गिराया भी जाता है। बट कंपनी ने एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है, तो मुझे क्या लगता है, उससे रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर कल अगर जब मार्केट ओपन होगी,
तो शायद 15 से 20% का यहाँ पर अपर सर्किट, जो भी अपर सर्किट होगा ठीक है ना, वो अपर सर्किट यहाँ पर लगने के पूरे चांसेस है। तो जब अगर लग जाए तो पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। अगर चीजें नहीं गिरती ठीक है ना, तो भी याद रखिए पाइन सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अपने लेवल्स यहाँ पर देते हुए नजर आ रहा हूँ ठीक है, समझाते हुए नजर आ रहा हूँ चीजें। अभी ये फिलहाल की बात करें तो डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है ठीक है, डबल क्या यहाँ पर बात करें, ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा ही नजर आता है। अगर ये शेयर 1366 का पहला टारगेट है, इसे क्रॉस करती है तो यहाँ पर सीधे 1500 की तरफ जाएगी, और शायद ये शेयर आने वाले टाइम में, अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स और वो देख के यहाँ पर बात करूँ, तो आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 2 से 3 हजार रुपए तक यहाँ पर टच करता हुआ नजर आ सकता है, लगभग 100% तक यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर। बट एज ऑलवेज आई सेड कि यहाँ पर मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। रिस्क की बात करें तो रिस्क की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए 200 EMA के आसपास एक शेयर ट्रेड कर रहा है, तो लॉस यहाँ पर, रिस्क की बात करूँ तो 1100 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बनेगा, 1187 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है, तो लगभग लगभग 5 से 6% की यहाँ पर, 5 से 6% भी यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें तो वही 6 से 7% की यहाँ पर रिस्क है। और अपसाइड की बात करें तो, अपसाइड की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले एक तो टारगेट एज मैंने कहा था कि लगभग लगभग 15%, दूसरा मैंने आपको 25% का है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद स्काई द लिमिट वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर ये शेयर 2000 भी जाएगा, 2000 के बाद 3000 भी जाएगा, और 3000 के बाद शायद आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आए, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है, नंबर्स यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर हिट, और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, नंबरों को नोट कर लीजिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि यहाँ पर आप सीख सको और समय से पहले अच्छी चीजों को लेके बैठ के यहाँ पर पैसा बना सको। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।